गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न का हल अक्सर हम लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि इसको हल कैसे करते हैं, ये देखिए, रूट इसका जो आ गया तो रूट लिख दिया, कितना है, रूट माइनस टू है गुना रूट माइनस थ्री है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये माइनस टू लिखते हैं और आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं, माइनस थ्री लिख लेते हैं, राइट। ये करते हैं और आगे जा करके इसको फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये दोनों को गुना किए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तीन दुने कितना हो गया, छः हो गया, यानी प्लस सिक्स हो गया। तो दोस्तों, ये आंसर के रूप में हम लोग प्लस सिक्स लिख लेते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, ये क्या है, गलत है। सही तरीका क्या है, सही तरीका है इसको आप जो लिखेंगे ये आपका गलत हो गया, ये तरीका आपका नहीं चलेगा। दोस्तों, तो क्या करना है कि आपको गणित में ये माइनस टू है ना, तो इसको लिखा जाता है रूट टू और माइनस के लिए आई, ये आयोटा आई लिखते हैं, राइट। यानी रूट अंडर माइनस वन बराबर होता है आई, है ना, इसको आयोटा कहा जाता है, रूट माइनस वन का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो को क्या अपना लिख सकते हैं, रूट टू इंटू आई, और इसको क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर ये रूट यहाँ पर लिखिए, ये थ्री हो गया, और माइनस के लिए यहाँ पर भी आयोटा आई लिख दीजिए, राइट। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, किसको किसको, रूट थ्री और रूट टू का। अब इसका रूट सिक्स होता है और आई को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों, अब आपको क्या है कि इसकी का आई का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी रूट हट जाएगा तो माइनस वन बच जाएगा, यानी रूट सिक्स और ये कितना हो गया, माइनस वन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस रूट सिक्स आपका आंसर आ जाएगा, जो सही आंसर है, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन पर आप इसका, इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। दोस्तों, रूट आपको माइनस छः और गुना रूट माइनस फाइव का, इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों, लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।